एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम, आपको पता है कि हम गांव आ गए हैं, तो अभी है जो अनायश अनाय के पापा हैं, उन्होंने आज जाना था लेकिन वो आज नहीं गए हैं। और इसी बात पे मैं सासू जी के साथ प्रैंक करने वाली हूँ। वो अभी गए हैं, तो वो अभी गाँव में गए हैं अनायश अनाय के पापा। और मेरी सास जो है वो अभी आ रही हैं, यहाँ पीछे खेत में गए थे, तो मैं उनको बोलूँगी कि ये चले गए, तो उनका रिएक्शन देखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है? दादा गोम क्या बोलो? भगवान है मंदिर वाला। अयो चल गए। तेन मैं क्यों नहीं बोल पर कैसे तेन तो बोले आज मैं घर रहा। मैं अभी तो आया, मैं बोल रहा हूँ जब रे मैं आया तब रे गया था नहीं जीन बोल मैं हाँ देख रहे हैं अत जीन है धारियोल तो जो धारियोल पतन धारे किन धारे अत तेरे तो बोल मैं बुआ जो जी का पता भी नहीं रहा ना वो कहता तो तुम जाते मैं आज भी उनमें भी लड़कियों का कन काजी देखा तुम ये नॉन दादा उठे बोल पर मैं ऐसे तो कर मंदिर वाला बोले वो जोर वाले वो मंदिर वाला वो मैं बना ना कुछ नहीं बोल ये ठंडा होएगा सासू जी का रिएक्शन अभी आएंगे ना थोड़ी देर में खुश हो जाएंगे उनको बहुत बुरा लग रहा है पर हमको तो मैंने सासू जी के साथ मेरा प्रैंक अनसक्सेसफुल हुआ। प्लान अनसक्सेसफुल वो बैग बुक तो चेक कर तो तुमने नहीं जान सची तुमने नहीं जान सची जाना आप कुछ बोलना चाहेंगे? तुमन कुछ बोलना कहने तुमन मान के बोल बोले इनमें थक गए तो भी हम आए हैं चक्की में। तो अभी हम गए थे चक्की में और वो हमारा घर दिख रहे है उधर। और यहाँ पे हम झंगोरा लेके गए थे कुटाने और जौ भैंस के लिए लेके गए थे। मैं और ससुर जी गए थे। हम आए हैं घास के लिए और सासू जी वहाँ पे आग जला रही है। तो अभी हम निकालते हैं घास। तो चलिए हम निकालते हैं घास। तो यहाँ पे सासू जी आड़ा जला रही है, जो कांटे वाटे होते हैं ना घास में वो जला रही है, फिर दोबारा कम होते हैं। तो अभी मैं थोड़ा घास निकाल लिया है, अब मैं पेड़ में चढ़ूंगी घास के लिए खड़ी लेके आना। तो दिखाती हूँ मैं चढ़ूंगी मैं ये घास निकालने। तो अभी मैं पेड़ में चढ़ गई हूँ और आजकल जो घास होता है निकालने वाला नहीं होता है, तो भैंस के लिए पेड़ वगैरह ही लेके आने पड़ते हैं। थोड़ा हरा होता है, जैसे इसमें घास हरी है, तो इसलिए मैं खड़ीक निकाल रही हूँ भैंस के लिए। और ये होती है गढ़वाल में जो औरतें होते हैं उनकी असली ज़िंदगी ऐसी ही होती है, ना कि जो ऐसे रील्स बनाती हैं बरांदा बांध के, गढ़वाली बरांदा बांध के और रील्स बनाना। वो अपने आप को बोलती हैं गढ़वाली और जब पहाड़ों में आते हैं तो चल भी नहीं पाते हैं ढंग से। तो
मेरा यही बोलना है कि गढ़वालियों का जीवन आसान नहीं होता है। थोड़ा सा दूध के लिए वो मतलब इतना पेड़ में चढ़ना ये आसान नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो गाइस निकाल लिया है मैंने खड़ी, ये वाला निकाला, ढंग से नहीं निकाल पाई, हाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हमने बनाया है झंगोरा छंचेड़ा। तो मेरी सास ने झंगोरा का छंचेड़ा बना रखा है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत टाइम बाद खा रहे हैं हम। बस तो अभी मेरे ससुर जी और मैं लेके गए थे केला लेने गए थे, हमारा जो केला के पेड़ है तो वहाँ से हमने केला लेके आए हैं, और इसको हम पकाने के लिए रख देंगे, अभी कच्चे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।